हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान सीक्रेट। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है मसाला रोटी, जवाहर की मसाला रोटी। और ये जो है बहुत ही हेल्दी रोटी होती है, इसको हमको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि जवाहर का जो आटा होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है, रिच इन फाइबर होता है, और हमारे ब्लड को जो है कंट्रोल भी करता है, ब्लड प्रेशर को, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाई इन प्रोटीन होता है, फुल ऑफ आयरन होता है, और गुड फॉर बोन हेल्थ एंड वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें ढेर सारा विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जब इतनी सारी क्वालिटीज़ इस आटे के अंदर है तो हमको ज़रूर इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमको वेट लॉस में भी मदद करेगा और इतनी सारी खूबियाँ इसके अंदर हैं। तो चलिए, आज मैं जो रेसिपी आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो है ही और डिलीशियस भी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। सबसे पहले मैंने 1 कप जवार का आटा ले लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ रेड चिली 1/2 स्पून, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी सॉल्ट। सॉल्ट मैं डालूँगी 1/2 स्पून। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये देखिए, ये मैंने 1 प्याज जो है कट करके रखा है, ये देखिए, ये मैं डालूंगी 1 प्याज, और मैंने ये चिलीज़ भी, ग्रीन चिली जो है वो भी मैंने कट करके रखी है। आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है तो मैंने 2 चिली काट के रखी है बारीक। अब इसके बाद मैंने ये डालूंगी कोरिएंडर लीव्स। देखिए, कोरिएंडर लीव्स है, कोरिएंडर लीव्स को भी हमको इसके अंदर डाल देंगे हम। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया कोरिएंडर लीव्स। अब जो है मैं ये आटा जो गूंथूंगी वो मैं इसका जो डो तैयार करूंगी वो मैं पानी से नहीं करूंगी। ये देखिए, ये मैंने दाल जो है ग्रीन मूंग दाल है, ये मैंने इसको बॉईल करके रख लिया था। अब मैं इससे गूंथूंगी इस आटे को। ओके, तो चलिए धीरे धीरे से हम इसमें डालते जाएंगे, और ये मैं जो है एक बहुत ही अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए, तो इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और अगर आपके पास, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना तो आप दाल मत डालिए और आप ऐसे ही सिंपल पानी से ही बनाइए, तो भी जो ये रोटियां हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। ये देखिए, ये मैं, मुझे ऐसे खाना पसंद है, मुझे ऐसे टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। आपको जैसी पसंद हो आप बिना उसके दाल के भी बना सकते हैं। तो गाइस, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और इसमें हमको जो है ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। जवाहर का आटा जो होता है ग्लूटेन फ्री भी होता है, तो हमको इसको एक टाइम ज़रूर अपने खाने में ज़रूर इसको शामिल करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं हम उसमें भी खा सकते हैं। तो चलिए, अब ये देखिए, ये जो हमारा आटा है बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये ऐसे बनाना है, ये ऐसे। अब हम इसकी रोटियां बना लेंगे। तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में। देखिए, मैंने इस रोटी के साथ, मुझे जो है ग्रीन सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये तैयार कर ली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अब रोटी कैसे बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है, मैं इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करूँगी इसमें। अभी इस आटे में मैंने जो गूंथा है, अब ये मैंने ये इतना लिया, अब इसको मैं इसे हाथों पे लेके
ऐसे ऐसे करके ये धीरे धीरे करके इसको मैं अपने हाथों पे ही फैला लूँगी ऐसे, क्योंकि आप इस रोटी को जो है बेलन से अच्छे से बेल नहीं सकते, वो टूट जाती है। और जो हम हाथों से बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए ये मैंने बना ली है, हाथ पे ही बना लिए मैंने। अब ये तवा जो है वो गर्म हो गया है, इसको ज़्यादा भी गर्म मत करिएगा, नहीं तो जो रोटी है वो चिपक जाएगी आपके तवे पर। तवे पर मैंने हल्का सा ऑयल जो है वो मैंने स्प्रे कर लिया है। अब मैं जो इस रोटी को डाल दूँगी, अब मैं इसको तवे पर ही थोड़ी पतली रोटी कर लूँगी, इसको मैं थोड़ी सी ऐसे, देखिए मैं जो है हल्का सा इस पर ऑयल जो है वो डाल दूँगी। और इसको 2 मिनट के लिए मैंने रख दिया था पकने के लिए इसको। अब मैं इसको जो है पलटा लूँगी अच्छे से, ये देखिए ये अच्छे से बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। अब इसको मैं पलटा लूँगी, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब ऐसे ही 2 मिनट में इसको ऐसे ही रख दूँगी। अब उस साइड से भी जब पक जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए गाइस कितनी अच्छी सुंदर लग रही है ना, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी ज़्यादा ये हेल्दी भी है। साथ जो है मैंने ग्रीन चटनी भी तैयार कर ली है, ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा मूंगफली के दाने और एक मिर्ची और थोड़ा सा धनिया नींबू डालकर ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में इसको बहुत अच्छे से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं शूट करना भूल गई थी, तो मैं इसके साथ खाऊंगी, ये बहुत टेस्टी लगती है।